Assalamualaikum. SLS student, how are you? I hope you will be fine. Alhamdulillah. आज हमने lecture number 21 में page number 56 and 57 write करना है. तो सबसे पहले आप अपनी उर्दू की book निकालें. Page number 56 and 57 निकालें और उस पर date mention करें. आज हमारे पास वन क्लास जो काम है नाम बूझिए. ठीक है. मैं भी हूँ एक सब्जी, लगती हूँ फूल के जैसी, सफ़ेद हूँ और कुछ सब्ज भी कहते हैं सब मुझे, डैश मूली गोभी तोरी. वन क्लास आपको मैं कंसेप्ट देती हूँ कि यहाँ पर आपने छुपी हुई चीज़ है, हमने उसको ढूँढना है. यानी पहले जैसे हम कहते हैं कि पहेलियाँ हमारे पास है, ठीक है, और उनके हम आंसर देते हैं. तो देखिए, मैं हूँ एक सब्ज़ी, ये एक सब्ज़ी है, ठीक है, लगती हूँ फूल जैसी, फूल की तरह होती है, सफ़ेद हूँ और कुछ सब्ज भी, आधी सफ़ेद है और आधी सब्ज है, कहते हैं सब मुझे गोभी. तो आपने क्या करना है, गोभी को देख के यहाँ पे गाफा गो भे छोटिए भी गोभी राइट कर लेना है. मैं हूँ अलबेला, जायका कड़वा कसीला, बच्चों बूझो नाम मेरा, लोग कहें मुझे जी. कुछ बच्चों को ये सब्ज़ी बहुत पसंद नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये कड़वी होती है, ठीक है, जैसे अबेला और कसीला, कड़वा कसीला, जायका कड़वा कसीला, ठीक है. तो अब देखें, बच्चों बूझो नाम मेरा, लोग कहें मुझे करेला. तो आपने क्या करना है, यहाँ का फ्रे ये रे लाम ला करेला लिख दें. नंबर थ्री पे, मैं हूँ दुबली पतली, नाजुक सी जैसे उंगली, पकाओ मेरी हांडी, मैं हूँ डैश क्या जी. आपको नाजुक और दुबली पतली सी कौन सी चीज़ नज़र आती है, नाजुक सी जैसे उंगली, पकाओ मेरी हांडी, मैं हूँ भिंडी, ठीक है. तो आपने क्या राइट करना है, यहाँ पे भिंडी, नाजुक और दुबली पतली, तो वो है भिंडी. यहाँ पे हम भिंडी राइट कर देंगे. नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, आप अपनी पसंद की सब्जी के बारे में लिखिए और तस्वीर भी बनाइए. ये काम आप लोगों के लिए है कि आपने यहाँ पर तस्वीर में क्या करना है, तस्वीर बनानी है और इधर साथ में लिखना है कि आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, ठीक है. नंबर वन पे है, मुझे डैश पसंद है. क्या पसंद है वन क्लास, जैसे मुझे टमाटर पसंद है ना, तो मैं यहाँ पे टमाटर लिख रही हूँ. आप यहाँ पे जो सब्ज़ी बनाएंगे उसके बारे में आपने लिखना है. इसका रंग सुर्ख होता है, इसकी शक्ल गोल होती है, इसका मज़ा तुर्श होता है. मैं टमाटर बहुत शौक से खाता या खाती हूँ, ठीक है, खाती लड़कियों के लिए और खाता लड़कों के लिए. सब्जियों की बातें सब्जियों के मास्क पहन कर कीजिए और उनके बारे में बताइए जी. वन क्लास, आपने क्या करना है, इन सब्जियों के बारे में अपने घर में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि कौन सी सब्ज़ी कैसी होती है, ठीक है, और उसका जायका कैसा होता है. और आपने सारी सब्जियां खाकर ये चेक करनी है, आपने ये होम असाइनमेंट करनी है कि आपको कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह. सॉरी बेटा, हमने जो होम क्लास असाइनमेंट करनी थी नोटबुक के ऊपर, ठीक है, तो 4 जुलाई 6 जुलाई जमात का काम और दिन हमारे पास है पीर. सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लाइन को स्किप करेंगे और लिखेंगे नज़ सब्जियों की बातें. लाइन स्किप करके लिखेंगे इमला के अल्फाज. नंबर वन पे लिखेंगे फेल फा हमज़ा दाल बढ़िए दे फायदे. नंबर दो पे हम लिखेंगे ज़्वाद रेवा रू रे ज़रूर. नंबर तीन पे लिखेंगे नून जोए नज जोए रे ज़र नज़र. नंबर फोर पे लिखेंगे हम हेलम हल वाहे वाह हलवा. नंबर फाइव पे लिखेंगे हम काफ चेलिफचा कच्चा. नंबर सिक्स पे हम लिखेंगे मीम से बढ़िए से मज़े दाल अलदार एदार मज़ेदार. नंबर सेवन पे हम लिखेंगे सीन लमल ला दाल सलाद. नंबर एट पे हम लिखेंगे बहिए बै नून ग्याव नून गन बैगन.
नंबर 9 पे लिखेंगे शीन लाम चल जी मीम जम चल जम। नंबर 10 पे हमारे पास है मीम ये मीट है लफ्ता मीठा, मीम ये मीट है लफ्ता मीठा। नंबर 11 पे हमारे पास है चे काफ नून दारेदर चिकंदर। नंबर 12 पर हमारे पास है गा फ्लामल फ्ला बे छोटी बी गुलाबी। नंबर 13 पर हमारे पास है लामहे ले सी नून सन लेसन। नंबर 14 पर हमारे पास है खेये खीर एलिफ्रा खीरा। नंबर 15 पर है तो एलिफ्ता काफ्ते का ताकत। नंबर 16 पर है बे ये बे मीमल मारे ये वायो नून गुन्ना बीमारियों। नंबर 16 पर हमारे पास है बे चेलिफ्चा तेलिफ्ता बचाता। और नंबर 17 पर हमारे पास है काफ काफ का कड़े छोटी एड़ी ककड़ी। अच्छा बच्चों बाकी सब चीज़ों के बारे में तो आप जानते होंगे, और ककड़ी क्या होती है तर, जिसको हम खीरे की बहन होती है तर। जब आपको मैंने लेसन पढ़ाया था तो उसमें भी बताया है कि ककड़ी क्या होती है, तो अब यहाँ पे मैं आपको रिपीट करती चलूँ कि ककड़ी तर को कहते हैं खीरे की जो बहन होती है। ठीक है, आज का ये जो हमारा काम था वो कंप्लीट हुआ है। आपने इसको अपनी कॉपी के ऊपर नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करना है और मुझे इसकी पिक भेजनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।